तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों महाराष्ट्र में राज्यपाल से मिलेगी कल बीजेपी सरकार, तो क्या कल बीजेपी सरकार बना लेगी और कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लेंगे। लेकिन बिना शिवसेना की मदद के बिना कैसे बीजेपी सरकार बना सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल बन चुका है। अगर बात करें शिवसेना की तरफ से अब तक जो बात की गई है, उसने साफ तौर पर संजय राउत ने कहा है बीजेपी के साथ 50-50 के फॉर्मूले पर ही सरकार बनेगी। अगर बीजेपी में दम है तो वो सरकार बना ले, उसके लिए खुला चैलेंज यहाँ पर शिवसेना की तरफ से दिया गया है। और इसको लेकर यहाँ पर बीजेपी ने भी कल यहाँ पर एक बड़ा फैसला होगा। इसके साथ ही शिवसेना ने अपने जो भी यहाँ पर दल है और जो भी यहाँ पर विधायक है, जो भी उनके वरिष्ठ यहाँ पर नेता है, उन सभी की यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग आयोजित की जाएगी और इस मीटिंग में होगा महाफैसला। आखिर बीजेपी के साथ सरकार बनाई जाएगी या फिर कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना जाएगी, क्योंकि अंतिम समय अब सरकार के लिए आ चुका है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी साफ तौर पर अब तक जो खबर है उसके अनुसार कि महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस ही होंगे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री। तो फिर बीजेपी कैसे बनाएगी सरकार, क्योंकि राज्यपाल से कल मिलने जा रही है बीजेपी। वहीं शिवसेना ने साफ तौर पर कहा है कि वो एक लाइन में यहाँ पर कि 50-50 के फॉर्मूले पर ही यहाँ पर सरकार बनाएगी। इसके अलावा भूलना नहीं होगा कि महाराष्ट्र के लिए विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 9 नवंबर को समाप्त हो रहा है। नई सरकार के गठन को लेकर गतिरोध जारी करते हुए भाजपा ने भी यहाँ पर बड़ा ऐलान किया है और प्रतिनिधि मंडल बृहस्पतिवार को यहाँ पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेगा। राज्य में 21 अक्टूबर को हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन अभी तक सरकार को लेकर मुख्यमंत्री पद क्लियर नहीं हुआ है। विभागों के बंटवारे को लेकर भाजपा और उसके गठबंधन सहयोगी शिवसेना के बीच गतिरोध कायम है। इसी बीच यहां पर एक बात के तो संजय राउत का बड़ा बयान कि हम केवल बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे तो 50-50 के फॉर्मूले पर ही सरकार बनाएंगे, वरना ऑप्शन शिवसेना के पास अन्य है। तो क्या यहाँ पर एनसीपी की तरफ से भी साफ तौर पर जो है जवाब दिया गया है कि जिसके पास बहुमत है पहले वो सरकार बनाए, अगर सरकार को नहीं बना पाते हैं तो फिर हम इस पर विचार करेंगे। इसके अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने बुधवार को कहा कि प्रदेश में कई प्रमुख चंद्रकांत पाटिल के नेतृत्व में भाजपा एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा मंजूर एक संदेश के साथ कोशियार से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल से मुलाकात का जो ब्यौरा है वो बाद में मीडिया से साझा किया जाएगा। तो कल का जो दिन है वो महा यहाँ पर फैसले का दिन होगा, क्योंकि शिवसेना कल यहाँ पर फैसला करेगी कि वो बीजेपी के साथ सरकार बनाएगी या अन्य दल के साथ मिलकर सरकार बना पाएगी। तो आपको क्या लगता है कि अब महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी प्लस शिवसेना की सरकार बनेगी या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो।